A. B. B नहीं, A. चालीस होने वाला है और चंदा मामा का कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता कहाँ है चंदा मामा हमारे यार। पता मुझे लग रहा है कि ना ये जो बिल्डिंग है ना इसी कारण दिख नहीं रहे वहाँ पे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, परम भक्त थी, हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, हम लोग जा रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा घुमाने। हाँ बेटा, कल से काम शुरू हो जाएगा, एक महीने का पूरा लगा रहेगा और बच्चे थोड़े से ना अजीब से जाते हैं घर पे, तो उन्हें थोड़ा सा गार्डन पार्क वगैरह लेके जा रहे हैं। हाँ, आज दिन में बहुत दिनों बाद निकल रहे हैं घूमने के लिए। घूमने अद्विक चले। गु जो है अभी उसने करी है, तो हम उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है अभी देने की। बैठा रहे थे, बैठ नहीं रहा था, फिर उसने डायपर में ही किया और फिर हल्का सा ब्लीडिंग है। दवाई दी है, उसकी सेकेंड डोज चालू हुई है, डॉक्टर ने एक महीना देखने के लिए बोला है और हम लोगों का मार्च का बन रहा है कि हम लोग मार्च में चले जाते हैं, एक महीना हो भी जाएगा तब तक, समझ में आया। फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर तब भी सही नहीं होता फिर कोलोनोस्कोपी होगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट शुरू हुई है, तो मैं जितने डॉक्टर चेंज करे हैं उन सबसे हमारी स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट शुरू होती है। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता, बट बच्चा मेरा इनका खाना लेके आई थी, रोटी, और मैंने इनके लिए डुगू और जिया के लिए रोटी लेके आई हूँ, लेकिन तो मैंने इनके लिए रोटी सेक ली थी और ए और मेथी की सब्जी। थोड़ा इनका पेट भर जाएगा, तो ये बनाया मैंने, तो डुगू खेलने लगा और जिया सो गई, फिर मेरे को लगा पैक कर लेते हैं और फिर खिला देंगे कार में ही। आ करो यम्मी यम्मी। तो हम लोग आ गए हैं डुमना नेचर्स पार्क और यहाँ में बच्चा थोड़े से घूमेंगे, हमारे बच्चे गार्डन ही नहीं जा पाते, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा इन लोगों का। क्या हो गया, चाहिए आपको? इसकी साइकिल ले आए हैं, आराम से आराम। तो टिकट नहीं लगती है क्या पे? तो यहाँ पे हम लोग आए थे 4 साल 5 साल है ना यार, 4 साल तो हो गए होंगे जब टिकटॉक चलता था ना, तब हम लोग यहाँ पे आए थे। हटो 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 हटो, बंदर देखो, बंदर आ गया। हो रहा आराम से चलना, देखो आराम से चलना, बुबू हो जाएगा आपको जी। ये मॉन्की कहाँ है, देखो देखो मॉन्की कहाँ है, Thank you.
फुल मजे करते हुए बच्चे, सबसे ज्यादा बहुत अच्छा डिसीजन था ये जिया की गाड़ी लेके। हाँ, हम लोग का ये नहीं था कि कहीं जाएंगे ऐसे कि खाएंगे बैठ के कुछ, हम लोग का ये था कि बच्चों को यार पार्क ले आते, बच्चों का पार्क वाला हो नहीं पाता और बच्चों को, हम लोग का एक महीना ऐसे पैक हो जाएगा फिर से कल से काम लगेगा और हम कहीं निकल नहीं पा रहे इसीलिए। एंड मैं सोचती थी पहले कि हमारे जब बच्चों के तो हम आएंगे यहाँ पर ट्रेन में, क्यों हम पहले आए थे ट्रेन में कहीं बैठे नहीं। वो है ईट है मम्मी, गाली पंतल ना होता है दिया की। हाँ ट्रेन आ गई, ये बहुत छोटी ट्रेन है, अगर ये भीड़ जाएगी तो चार राउंड लगेंगे पूरे भीड़ जाने में। भाई कर तुम जाना है पटरी से, देख रहा है ट्रेन टोटल जगह है बारह लोग। हमारे यहाँ पे उखरी रोड नाम की रोड हुआ करती है बीबी, वो पहले ऐसी हुआ करती थी, अब तो फिर सही हो गई है, अब तो उबड़ खाबड़ उसका नाम उखरी रोड है, जहाँ पे ऐसी रोड दिखती है हम उसे उखरी रोड बोलते हैं। इधर आओ, तो अब हम जा रहे हैं नदी की तरफ। देखो के तो मजे आ गए हैं, मजे जी कल्ली मजे मजे चलो आ गई। तो बहुत दिनों बाद आए हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हम कितने साल पहले आए थे हम जानी? तीन चार साल पहले आए थे फ्रेंड्स के साथ। तो आज हमने सोचा कि लास्ट वीक मेरे फ्रेंड्स जो घर पे आते हैं वो आए थे, हम लोग का काम लगा हुआ था तो हम लोग आ नहीं पाए थे, उन्होंने आज हम लोग एक्सप्लोर करके आए कि यहाँ पे कुछ कुछ क्या क्या नया हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे तीन चार साल में बदल गई हैं। क्यों बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते उखड़ी रोड जी, उखड़ी रोड में घूम लिए। हाँ देखो कहाँ घूम रहे, हाँ ऑटो अलाउड है, अलाउड हाँ पैसे लेके आता ना। टाइम हो गया हमारा पार्क से चेकआउट करने का, चेक इन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, आधा पौने घंटे का टाइम मिला हमको खाली घूमने के लिए, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कुछ ज़्यादा ही दूर है। हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि बच्चों को ले आए, जिया के लिए हम बाईसाइकिल लेके आए हैं जिया की, और जिया आराम से उसमें बैठ के सवारी, जिया की सवारी तब से चल रही है। क्यों देखो ये देखिए नो गंदा जाए कपड़े, कपड़े गंदे जाएंगे, तो दुकु जो घर पे करता था वो यहाँ पे कर। अरे यार चलो उठो उठो उठो, अरे आओ मेरे मेरा हाथ पकड़ना चाहता है इसलिए मेरे ख्याल से लाइब्रेरी चलना है, यहाँ से पुस्तकालय है यहाँ पे, हम तो पढ़ लेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, सफारी है सफारी, आपके हजार रुपए हो गए, हजार रुपए हो गए, सफारी हो जंगल सफारी। पिछली बार याद करो यार, कैसे बदनाम करे, बदनाम कर हाथ दुख रहे तुम्हारे, लो पकड़ो चलो, हाँ वो नीचे देखना पड़ता ना।
धन्यवाद, हो गया आपका घूमना, धन्यवाद। यहाँ से, अच्छा यहाँ से है इंडियन कॉफी ऑफिस। आई थिंक मुझे मैगी खानी है, तो हम जा रहे हैं मामा है मैगी। मॉन्की मॉन्की है, मुझे वो कहाँ जा रही थी, मजे आ गए ना जी आके, तो डुगो को भी आ गए। डुगो अच्छा लगा आपको? डुगो कैसे लगा? आज है नेक्स्ट डे और आज है तिलकुट का व्रत, और मैं अभी नहाने जाऊंगी। और डुगो को मैंने ये ख़रीद के दिए स्लेट और ये, क्योंकि यहाँ पे पेन तो नहीं दे सकते, तो स्लेट लिए। इसमें दोनों साइड में ना एक वाइट बोर्ड भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, ये मैं डीमार्ट से लेके आए हैं हम लोग। मार्कर मैंने भी रख दिया है जो कि ये बाद में यूज़ कर सकता है। और अभी इसमें डस्टर है और चॉक है, और ये है ब्लैक बोर्ड। ये देखो ए ए है, ये ए ए बी नहीं, ए ए का है, ए ए ऐसे देखो ए आइच 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 की ना। तो मैंने नहा लिया है और अभी क्या बोलते हैं सूर्यदेव पे जल चढ़ाना है, तिल और शक्कर लेके थोड़ा सा जब व्रत की शुरुआत करते हैं उसके बाद। हाँ बेटा तुम्हें खेलना तो खेलो ना उसके साथ, क्या बोलते हैं जल चढ़ा दो, उसके बाद थोड़ी चाय बनाऊंगी। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप की लगती है आजकल, मेरे से व्रत होते ही नहीं है, मुश्किल हो जाती है। मेरे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं अभी सुबह से। और पानी वानी आप पी सकते हो, पर मेरे को लगा चाय पियेंगे। फ्रूट भी मम्मी ने बोला था, पर मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं पी रही हूँ। हाँ जी बेटा मैं जा रही हूँ, उसके बाद फिर पक्का खाना बनेगा, पूड़ी या जो भी आपको बनाना है। तो चलिए पहले जल चढ़ा देते हैं, है ना, फिर यहाँ पे बादल आते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं। तिल को रखने के लिए तिल को रखते हैं चीनी और शक्कर का मिश्रण, सॉरी शक्कर और तिल का मिश्रण, इसको मैं भून रही हूँ तिल को, फिर इसे पीस देंगे। और साथ में चढ़ा रही हूँ खीर, क्योंकि बनना है पक्का खाना मेरे बाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब खाना बनाने से। और मैं यहाँ पे तिल भून रही हूँ, साथ में मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया है। तो सबको संकट चौथ या संकट चतुर्थी बोलते हैं ना इस व्रत को, हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट तिल भून रही हूँ, चाय चढ़ा दी है, और चाय में हमेशा थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ पीने में। तो तिल को मैंने एक तो तिलकुट के लिए रखा है, और कुछ मैं लड्डू बनाऊंगी। तो लड्डू मेरे को लगा बच्चों के लिए भी जाएंगे ठंड में, मैंने कुछ लड्डू इस बार बनाया ही नहीं, जबकि मुझे ना गोंद के लड्डू बनाने थे, पर नहीं हो पाया यार, जितना सोचती हूँ मैं उतना नहीं हो पाता आजकल। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध चाय में, और इसी बीच में हमारे तिल हो गए थे। पहले मैं सिर्फ तिल के लड्डू बनाने वाली थी, फिर मेरी नजर गई मुरमुरे पे, तो मेरे को लगा चलो मुरमुरे के लड्डू भी बना लेते हैं, लाइक मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। बट एक छोटी सी ट्रिक होती है जो आपको फॉलो करनी होती है, क्योंकि उसके बाद तो अगर आपने कुछ भी किया ना तो आपके लड्डू खराब हो जाएंगे। तो यहाँ मैं हल्का सा भून रही हूँ उसे, क्योंकि मुरमुरे क्रिस्प थे, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत सीलन टाइप की है कुछ भी है ना, तो वो चली जाती है इसको भूनने से। उसके बाद मैंने वर्मिसली डाले हैं, मुझे लगा खीर वैसे बना लेते हैं, सेवैयों की बना लेते हैं।
तो यहाँ मैंने हल्के से घी में जो ये थे ये भी रोस्ट कर दिए। तो तीन चीज रोस्ट करनी थी तो मैंने फटाफट एक ही कढ़ाई में कर दी, मुझे लगा कि फटाफट पहले करके इनको रख देते। और आई थिंक मैं फटाफट वाला वर्ड बहुत यूज करती हूँ, बस कमेंट आया था तो मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगी कि ना करूँ यूज, बट हैबिट बन जाती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सेवैयाँ हैं वो डाल दी हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। तो गुड़ मैंने अंदाजन ही डाला है, तो ये अंदाजन लाइक आप इक्वल क्वांटिटी में जितने मुरमुरे हैं उतना गुड़ लेके कटोरी में मेजर करके लाइक डबल डाल दो आप जो आपके मुरमुरे, और एक कटोरी में घी क्योंकि सॉरी क्या बोलते हैं गुड़, तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाला है, तो ये मेजरमेंट रहती है। बट मेरा जो खाना है वो अंदाजे से बनता है, बट आगे अगर मैं कभी रेसिपी शेयर करूंगी अपने कुकिंग चैनल पे जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसमें ऑब्वियसली क्वांटिटी डालूंगी, पर मेरी क्वांटिटी हो नहीं पाती। तो मैंने ठंडे पानी में से डाल के देखा है ये जम गया है, मतलब कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है फॉर बाइंडिंग लड्डू। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं मुरमुरे, थोड़े से तिल, और तिलकुट बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लड्डू हैं ये तोड़ तोड़ के देने पड़ते हैं कि जिया स्पेशली नहीं खा पाती है क्योंकि उसके भी एक दो छोटे से दांत है नीचे बस। अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें, मैं बस गैस को बंद करूंगी और गैस बंद करते ही आपको जो लड्डू है वो बाइंड करने शुरू करने हैं, वरना गुड़ जम जाएगा और लड्डू अपने लड्डू वाली फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इवन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप कढ़ाई से निकाल नहीं पाओगे इसे। तो मैं हल्का हल्का पानी हाथ में ले रही हूँ, लाइक घी भी ले सकते हो पर मैं पानी लगा रही हूँ हाथ में, और फटाफट एकदम गर्म गर्म थे यार, हाथ चिपक भी सकते हैं आपके थोड़ा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी बाइंड कर रही हूँ। तो इसकी ये ट्रिक है कि आपको जल्दी जल्दी जैसे ही हुआ है गैस बंद हुई है एंड बाइंड कर लीजिए, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करना है तो इसको आप एक उस पर रख सकते हो। तो जल्दी जल्दी देखिए बन गए, बहुत टेस्टी बने, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और टाइट नहीं है स्पेशली, बहुत ही इजी है दांतों के लिए भी कि आपके दांतों में, क्योंकि गुड़ मैंने बहुत सारा इसमें नहीं डाला हुआ है तो क्योंकि गुड़ अगर ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद वो टाइट हो सकते हैं। पर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ और मैंने कथा मोबाइल से ही देखी है, गणेश जी की फोटो मैंने लगा ली थी, मेरे पास गणेश जी का कोई आइडल नहीं था यहाँ पे भगवान जी का, तो मैंने इसलिए वहां पे भगवान जी को रख दिया। और फिर ये मैं यहाँ पे फटाफट जो कथा है वो कर रही हूँ, और डुगू कंटिन्यूअसली थाली इधर उधर कर रहा था तो मैंने धूप उस टाइम पे जलाई नहीं, मैंने सिर्फ आरती जो मतलब जो जोत होती है माता मतलब भगवान जी की वो जलाई। मैं राजा से वही कह रही थी उस टाइम में मुड़ मुड़ के कि देखते रहना कि वो हाथ ना लगा ले, हाथ ना लगा ले। टीका लगा दिया मैंने बच्चों को और उसके बाद फिर फटाफट आरती करी है। तो दो कथा होती है इसमें, एक गणेश जी की और एक मतलब एक तिल संकट चतुर्थी की और एक मैं सही बोल रही हूँ संकट चौथ की और एक उसकी क्या बोलते हैं गणेश जी की। तो ना यहाँ पे हम फटाफट आरती दे दी थी, इस बीच में जिया को लग रहा था कि कुछ मिलने वाला है खाने के लिए क्योंकि वो बैठी रहती है कि यहाँ पे मम्मी ने कुछ रखा है, उसे पता है उसे हर चीज को खाना है। उसके साथ दिक्कत यह है कि उसे पेपर मिल जाएगा, टिश्यू मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, उसे सब कुछ खाना होता है तो उसको हर चीज खाने के लिए लगती है। तो मेरे को लगा कि इसको कुछ दे देते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सा जो लड्डू था मैंने बनाया था उसमें से दे दिया था तो उसने खा लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, टमाटर अदरक और हरी मिर्ची पीस के जीरे में डाल दी है क्योंकि प्याज लहसुन यूज नहीं करना है। राजा मुझसे कह रहे थे, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, कि शिवानी मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने बोला बाहर से क्या ऑर्डर कर दूँ कि प्याज लहसुन और कितनी शुद्धि में खाना बनता है वो भी मैटर करता है, कि अगर आपने कोई व्रत रखा है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि आप अपनी एटलीस्ट उसे देख दाग के बना रहे हो तो आपको पता है कि खाना आपका शुद्ध है, लहसुन प्याज नहीं यूज हुई है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से मसाले डाल के आलू मटर डाल दिए, फिर मैंने गरम मसाला डाला है, 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे और उसके बाद फिर उसमें पानी डालेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही मस्त बनेगी और ये सब्जी सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी। एंडिंग में मैंने इसमें कसूरी मेथी और हल्का सा धनिया डाल दीजिए, हरा धनिया, कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट आलू गोभी की सब्जी चढ़ाई है, तेल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, लंबी हरी मिर्ची काटी है, जीरा हल्दी डाला है, और ये जो सब्जी है ये थोड़ी सी क्रिस्पी बनाई थी। राजा को जली सब्जी अच्छी लगती है, आप समझ रहे हो, जो आलू और गोभी जिसमें जली जली दिखती है ना वो सब्जी खानी थी ना, तो उसमें हल्का सा एक्स्ट्रा ऑयल डलता है और उसके बाद वो सब्जी आपको अपनी निगरानी में बनानी पड़ती है लगातार देखते हुए कि वो थोड़ी सी जलती भी जाए, जलती मतलब ऐसी नहीं मतलब ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी आलू गोभी की सब्जी वो खानी थी। तो इसलिए मैं इसमें कोई टमाटर अदरक वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाली और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप लेयर वाले पराठे बना रहे हो अजवाइन के, उसके साथ खा के देखिएगा, चाय के साथ आपको मजा आ जाएगी। तो आप इसे हल्का सा ढक देंगे, उसके बाद 5 मिनट ढक के बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको ना इसे थोड़ा तेज पे भूनना है
ये ब्राउन ब्राउन हो जाए। फिर मैंने जल्दी से पूरी का आटा लगाया था और फटाफट मैंने पूड़िया सेकना शुरू कर दिया था। चंदा मामा बहुत लेट आए थे यार, बहुत लेट आए थे। मतलब कहते हैं ना, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपकी परीक्षा होती है। तो चलिए जल्दी से पूरी सेक रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। पूरियाँ उतार रहे हैं और आज ना हमको चक्कर से आ रहे हैं, तो सुबह से हो गया है। और अभी क्या है ना, आज चांद भी बहुत लेट हो गया, 9 के ऊपर टाइम हो रहा है और अभी तक कोई नाम निशान नहीं। मेरी बहन ने मैसेज किया था 9:11 का टाइम दिया है, तो बस अब निकल जाएंगे। मुझे लगा कि मैं खाना बना के रख लेती हूँ और फिर अर्घ दे देंगे चांद को, तो मेरा जो व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा एंड देन मैं खाना खा सकती हूँ। एक्चुअली मैं अभी सभी खाना खा लेंगे, फिर डिनर हो जाएगा सबका। मेरे को लगा पूरी उतार देती हूँ, फिर देख के आओ, फिर हिम्मत नहीं होती ना तो खाना रेडी है। तो मेरी यहाँ पे हो गई है आलू मटर की सब्ज़ी तैयार, यहाँ पे हो गई है आलू गोभी रायता ही बना लिया है मैंने। और मैंने आज पता सबसे क्या चीज़ हुई, मैं जब भी व्रत होता है कुछ होता है तो थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहनने में लाइक साड़ी वैप पहनती हूँ, तो मेरा दिमाग नहीं चला और मैं गई साड़ी ढूंढने। फिर मुझे याद आया यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ही ऐसे कपड़े हैं जो कि पूजा पाठ के लिए होते हैं, तो ये वाला मैंने फिर सूट पहना क्योंकि साड़ी यहाँ पे एक भी नहीं है। तब तक अभी बस वेट कर रहे हैं हम लोग। नहीं आया ना, मैं इसलिए पूरी सेक के रख रही हूँ कि अब बस खाना लगाएंगे और फिर खाना ही खा लेंगे डायरेक्ट, तो खाना हो जाएगा मतलब, क्योंकि फिर आएंगे फिर अर्घ भी देना है ना। तो बायना निकालते हैं हमारे यहाँ पे, तो मेरे पास अभी कोई देने के लिए भी नहीं है, तो मेरी नैनी मैं अपनी नैनी करती जो हाउस हेल्प आ रही थी ना, वो 3 दिन हो गए नहीं आई। आज एक हाउस हेल्प लाइक उनके उसमें आई थी, 2 दिन से तो उन्हें अरेंज नहीं कर पाया। फिर उन्हें अरेंज करी है और जो अरेंज करी वो फ़ोन पे थी, रेगुलर फ़ोन पे थी। तो हमने जो एजेंसी वालों ने कॉल किया कि आप ना, मतलब हमारा तो पैसा जाता है ना, कोई काम नहीं कर रहा इंसान, हाँ सुबह से हमें भूख लगे हुए हैं, तो अपना अलग था मेरा तो बर्तन छोड़ कर सारे काम हो गए थे। हमने फ़ोन किया, उन्होंने पता नहीं उन्हें शायद बोला था कुछ और वो चली ही गई। फिर दोपहर में मैंने बोला उनका रहने ना रहने का वैसे भी कोई मतलब बिचारे आ रही क्या। मैं 9:40 होने वाला और चंदा मामा का कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता कहाँ है चंदा मामा हमारे यार। मैं खाना ही बना के रखा हुआ है, मेरे को बेहोशी सी आ रही है। मैं पापा से, मम्मी पापा से, फैमिली को मैं बात करी थी, तो वही मैं वही थी अब बताओ दिखेंगे या नहीं। एक्चुअली मेरा 9:11 का टाइम था, 9:40 हो रहा है। मेरा ऐसे कह रही थी कि क्या बोलते हैं, कभी करवा चौथ भी ऐसे हम लोग नहीं होता कि ये हो जाए, बल्कि करवा चौथ तो खाना लेट हो जाता है हम लोगों का। और हमेशा होता है कि मैं रख लेती हूँ और आराम से रखती हूँ व्रत, पता नहीं क्या हुआ। मतलब स्ट्रेस भी है और बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे को भी अपना HP एक बार जाके चेक कराना पड़ेगा। व्रत है और मैं आज कुछ नहीं कर पाई। देखिए एक लिपस्टिक तो लगाने का वो नहीं हुआ मेरा आज कि मैं लगाती, सुबह से इतना सारा काम हो रहा था, इतना सारा काम हो रहा था कि पूछे मत। बट ये था कि व्रत हो गया और मेरी मम्मी ने मुझे कल याद दिलाया, फिर ने मुझे वॉइस नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे, पूरा समझाया। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैंने 21-22 में किया था, मेरे को अगले साल का मतलब सॉरी पिछले साल का नहीं याद आ रहा। मैं राजा से यही कह रही थी यार, किया है या नहीं किया है, मेरे को लग रहा है मैंने पिछले साल व्रत नहीं किया, मेरे को याद ही नहीं रहा ये व्रत। और पता नहीं, और उस टाइम पे क्या था, मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन चल रही थी जब जिया का टाइम वो था वो, क्योंकि ये जनवरी में आता है फिर। आई एम लाइक आ जाओ भाई चंदा मामा आ जाओ, तो यहीं से देख रहे हैं, वहाँ नहीं निकला है दिल्ली में अभी भी। पापा बोल रहे हैं अभी बहुत धुंध हो रही है, मैंने बोला यहाँ तो मौसम क्लियर है पर फिर भी नहीं दिख रहे हैं, तो देखते हैं जैसा भी होता है उसके हिसाब से फिर खोलते हैं व्रत जैसे चंदा मामा आते हैं, तो वही देख रही हूँ अभी। तो ना आपको पता है क्या बोलते हैं, जब आप खाना वाना बना के रख लेते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि जल्दी से आप उपवास हो करो, पर कहते हैं कि अगर व्रत किया है तो परीक्षा तो होगी ही। तो पता है मुझे लग रहा है कि ना ये जो बिल्डिंग है ना, इसी कारण दिख नहीं रहा है वहाँ पे, कहीं पर रोशनी दिख रही है और चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर छत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो रोड पे जाना पड़ रहा है, पीछे अपना मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, उसके पीछे मैं देख के आया हूँ, वहाँ चांद दिख रहा है। अब रोड पे जाके अर्घ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक आने में पीछे बिल्डिंग है, ऊपर आने में 1.5-2 घंटे लगेगा, 1.5-2 घंटे पूरा चढ़ने में, तो इसलिए जा रहे हैं हम लोग वहीं पे देंगे। तो मैं लौट रही हूं, तो वो देखिए वहां है चांद, वहां है और अरे बादलों में छुप रहे, जल्दी करो आ जाओ ना।
हाँ हम लोगों ने डिनर कर लिया, तो फाइनली जाके मेरा जो व्रत है वो संपूर्ण हुआ और अब बहुत भयानक नींद आ रही है, पता नहीं बहुत थकान सी हो रही है मुझे। और डुगू ने आज नहीं किया कुछ भी, तो उसको आया था, डायपर नहीं दिया, बैठा नहीं, हम उसे वेस्टर्न हर जगह लेके गए बट उसने किया ही नहीं कुछ भी। तो कल भी देखते हैं यार, तो उसको आज जाना था पर नहीं गया वो, क्योंकि हम लोग को लगा अब देखते कब तक नहीं जाता है। अरे वो टूट गया यार आज, अरे वो क्यों लगा दिए, रुक जाओ। तो राजा को कुछ खाना है तो अपने लिए गर्म कर रहे हैं दोबारा से खाना। तो मेरा जो कांच का लिक ऊपर का जो रहता है उसमें उसका जो ऊपर का पकड़ने वाला रहता है नॉन स्टिक का, वो टूट गया, तभी जाके मैं देख के आती हूँ। तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और देखते हैं डुगू कब तक नहीं करता, बट वो नहीं करेगा। डायपर मैंने बंद कर दिया उसका पूरा, रात में भी पहनाया है तो रात को वो नहीं करता, सोते टाइम बच्चे नहीं करते हैं, बड़े वाले जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो नहीं करते सोते हुए। तो देखते हैं, कल फिर से थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा और अभी कोई हेल्प नहीं आ रही, पर राजा सुबह से चले जाएंगे क्योंकि घर का काम रुका हुआ है, 3 दिन हो गए और नए ठेकेदार लगे हैं तो वो कल से काम शुरू करेंगे, क्योंकि बाथरूम जितना था उतना ही बचा अभी भी। तो चलिए देखते हैं, जैसे भी शुरू करते हैं काम और इंतज़ार करते हैं। परीक्षा थी आज, पर बहुत बड़ी हालत ख़राब थी, पर मुझे लग रहा मुझे फीवर सा है, और कल थोड़ा सा घूम के भी आए थे मिसेस में कि उन लोगों को थोड़ा फ्रेश लगेगा, उसके बाद फिर कुछ छूट नहीं किया। डी मार्ट से सामान लेके आया, राशन मैं दिसंबर में लेके आई थी स्टार्टिंग में, जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैं 2 महीने का राशन ले आती, तो फिर से 2 महीने का राशन आया हुआ लगाया नहीं है, कल ही करूँगी मैं जितना काम हो सकता है। अभी घर बहुत गंदा फैला हुआ है क्योंकि हो ही नहीं पाता, बच्चे बहुत फैलाते हैं, बच्चा भी क्या, बच्चा बच्ची दोनों फैलाते हैं मेरे आजकल घर, क्योंकि जिया पूरा सामान उठा उठा के फेंकती है सूफे उफे से और डुग्गू उसको पूरा साथ दे के फैलाता है। बट ये है कि घर में रौनक बहुत है, बहुत अच्छा है। तो सबको ने जिन जिन ने व्रत रखा था ज़रूर बताइएगा, चंदा मामा कितनी देर में आए थे आप लोगों के यहाँ पे, कब आपने खोला व्रत, पर आज काफ़ी लेट हो गए थे, है ना। आई थिंक हम डेली देखते नहीं हैं इसलिए मे बी। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।